गोपाल जी और थोड़ा फोटोशूट इन्होंने किया है, गोपाल जी ने डिजाइन किया है, क्रिएटिव क्रिएटिव आप सबों के बीच हम एक स्पेशल अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। सॉफ्ट टच इंटरटेनमेंट की ये फिल्म शुभ रात्रि कंप्लीट हो चुकी है, जो बहुत जल्द सिनेमा घरों में उपलब्ध होगी आप लोगों के बीच देखने के लिए। इसी के साथ सॉफ्ट टच इंटरटेनमेंट ने दो और फिल्म बनाने का निर्णय लिया है। एक है हिंदी फिल्म जिसका टाइटल है समथिंग रॉन्ग। डायरेक्टर होंगे हमारे राहुल प्रजापति जी, और दूसरी फिल्म है एक बांग्ला फिल्म है जिसका टाइटल है बबीता, जिसमें मेन लीड कर रही हैं नीतू जी, और इसके साथ एक और तमिल और तेलुगु फिल्म भी बनाने की योजना है सॉफ्ट टच इंटरटेनमेंट से, और उसमें भी मेन लीड नीतू जी ही कर रही हैं। ये मीडिया अनाउंसमेंट था। अब उसके बाद एक स्पेशल हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी फिल्म इंडस्ट्री में अच्छे लोग हैं, अच्छे कलाकार हैं, उनको मौका देने का पूरा बीड़ा उठाया है हमारे प्यारे दुलारे डायरेक्टर श्री राहुल प्रजापति जी ने। और अच्छी बात यह है कि उन सभी लोगों को ये मौका देना चाहते हैं जो लोग टैलेंटेड हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। उस मार्ग में जो भी बाधाएं हैं, उन सब बाधाओं को खत्म करने का बीड़ा राहुल प्रजापति जी ने उठाया है। और हमारी कंपनी सॉफ्ट टच इंटरटेनमेंट के दो लोग स्तंभ हैं, एक है संगीतकार विष्णु देवा जी और दूसरे हैं मनोज कुमार जी जो हमारे डीओपी साहब हैं, और दो लोग हैं जो मुख्य रूप से जुड़े रहेंगे। एक तो मैं हो गया सुधिंद्र सुभाष वर्मा, और दूसरे हमारे राजन अग्रवाल साहब, जिनके लिए जो ज्यादा एक्टिंग किया है मैंने, इनका कुछ प्रोमो और बहुत सारे चीज देखा, मेरे को बहुत अच्छा लगा। भाई साहब का भी बहुत अच्छा लगा। राहुल प्रजापति वो शख्स है, ये पिक्चर शुरू किए थे गन पॉइंट बोल के, महान डायरेक्टर था, समझ गए तुम्हें, और तब भी इन्होंने बर्दाश्त करते हुए दोबारा फिल्म शूटिंग करके कंप्लीट करना, और आज रिलीज की मोड पे है, आज रिलीज की मोड पे है। सचमुच में गणपति बाबा का बहुत बड़ा कृपा है, और आज इतना बड़ा शूटिंग पर हमारा पिक्चर की पोस्टर लॉन्च हो रहा है, ये बहुत ही शुभकामनाएं है, और गणपति बाबा इस पिक्चर को बहुत सक्सेस करें। एक्चुअली हमारी फिल्म ऐसी है कि हमारी फिल्म शुरू होती है सुहागरा से, कैमरा ओपन होता है, एक एक्सीडेंट होता है, पहले कैमरा ऑन होता था, एक सॉन्ग होता है, इसके बाद देन एक्सीडेंट होता है, फिर डायरेक्ट जो है फिल्म ओपन होती है हमारी सुहागरा से। बैट सजा होता है बहुत अच्छा, एक बहुत ही बढ़िया माहौल होता है। तो अब इंटरवल तक जो है फिल्म जो है एक कमरे के अंदर ही है, खूब ड्रामा, मस्त ड्रामा, दो वॉचमैनों का ड्रामा, और एक चोर पलंग के नीचे घुसा होता है उसका ड्रामा, फिर हीरो हीरोइन का ड्रामा, फिर जो हमारे दूसरे हीरो है शाहिद जी, शाहिद मालिया जिसका हमने अभी इंट्रोडक्शन में नाम लिखा, हरीश मालिया जी, उनका एक तरफ से एंट्री। तो अचानक में एक मोड़ ऐसा आता है कि लड़की बोलती है कि भाई मेरी दादी ने कहा है कि हमारे साउथ इंडियन में सुहागरात का जो होता है समय जो होता है वो मुहूर्त से तो होता है, मुहूर्त के मुहूर्त से होता है कि भाई सुहागरात मुहूर्त से ही होता है। तो वो यहाँ से चिट्ठी निकाल के देती हीरो को, तो हीरो टेंशन में आ जाता है। जब हीरो टेंशन में आ जाता है तो बोलता है अरे ये क्या। अच्छा, हीरो को नहीं पता होता कि हीरोइन के दिमाग में कुछ चल रहा होता है। जैसे ही 12:01 का हीरो चिट्ठी दिखता है तो हीरो जो है उसका दिमाग इधर उधर घूमने लगता है। फिर जैसे ही 12:01 होता है, उसके पहले एक बहुत ही अच्छा सॉन्ग होता है, रोमांटिक सॉन्ग होता है हीरो हीरोइन का, उसमें एक चोर भी है, उसमें मजा लेता है। 12:01 हुआ, लड़का जो है लड़की को गले लगाता है और लड़की पीछे से खंजर मारती है, लड़का गिरा, हीरो गिरा मेरा ब्लड लेके मुँह में, और फिल्म वहीं पे इंटरव्यू। फिल्म जो है ये रिवेंज है, मर्डर मिस्ट्री फिल्म है,
लेकिन है कि फिल्म एक्चुअली अब यार हमारी फिल्म है तो हम अच्छा ही बोलेंगे, बाकी डिसाइड तो ऑडियंस को करना है। सस्पेंस तो खोल दे सर। नहीं, सस्पेंस अभी नहीं खुला है, ये सस्पेंस नहीं है, ये तो ऐसे ही आपको झटका देने के लिए। सस्पेंस अभी खुला कहाँ है? अभी सस्पेंस कहाँ खुला है? सस्पेंस अभी खुलेगा, बहुत सारी चीज़ें अभी। अच्छी फिल्म है, हमारी फिल्म जो है कोई भी जाके देख सकता है, ऐसा नहीं कि भाई ज़रूरी है कि भाई सिर्फ गर्ल्स बॉय जाके, हमारी फिल्म ऐसी है कि पूरी फैमिली जाके देख सकती है। हमारी फिल्म में कोई ऐसी गंदगी नहीं है, कोई ऐसा स्मूच नहीं है बहुत कि भाई नहीं स्मूच है या बैड सीन है, ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं हमारी फिल्म के अंदर। और मैं भगवान से दुआ करूँगा और मैं लोगों से भी, आप लोगों से भी यही मेरी प्रेरणा रहेगी कि आप लोग मुझे इतना सहयोग करें कि मैं ऐसी ही फिल्म बनाऊँ जो हमारी फिल्म 100 लोग ना देखे, 80 लोग देखे, लेकिन सब पूरी फैमिली खुशहाल देखे। फिल्म का नाम बताइए। फिल्म का टाइटल है शुभ रात्रि। क्या कहेंगे सर? बस राहुल जी को मुबारकबाद देने आया हूँ, ये अच्छी फिल्म बना रही है, शिवरात्रि अच्छा टाइटल है और मजे हुए लोग हैं, इंडस्ट्री के लोग हैं और न्यू कमर्स को मौका दे रहे हैं, ये अच्छी बात है, नए लोग आने चाहिए और हम लोग देख इस फिल्म के हिस्सा बनेंगे ऐसी उम्मीद है। इस फिल्म कम्प्लीट है, इसके बाद शुरू हो रही है जिसका अभी आप मुहूर्त देखें। तो ये बहुत मेहनती आदमी, इंडस्ट्री को बहुत करीब से देखा और जैसा कि इन्होंने भी बताया कि सस्पेंस ड्रामा लोगों को पसंद आएगा, तो ये ऑफ कोर्स एक अच्छी फिल्म बनी, ऐसी दुआएं देने आए हम लोग। नमस्कार मीडिया को। सबसे बड़ी बात यह है कि आप के सामने प्रोड्यूसर साहब ने, मीन्स राहुल प्रजापति साहब ने सब कुछ बता दिया फिल्म के बारे में, लेकिन मैं तो खुश इस बात से होता हूँ कि फिल्म कंप्लीट हो रही है, फिल्म रिलीज होगी, फिल्म हिट होगी, उसके बाद हम फिर दूसरी फिल्म मिलेगी बनेगी और फिर मैं उसमें काम करूँगा। तो मेरी खुशी इस बात से है कि फिल्म का बनना, रिलीज होना वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो स्टेज आ चुकी है, राहुल जी इस पिक्चर को रिलीज़ करने जा रहे हैं बहुत जल्दी और फिल्म हिट होगी, मेरी शुभकामना है। और मैं इस लाइन का काफ़ी सीनियर एक्टर हूँ, मैंने कहना चाहिए कि पूरी ज़िंदगी भर एक्टिंग ही करता रहा हूँ मैं, और मैं ये देखता हूँ कि जो भी इस तरह की आत्मा फिल्म बनाती हैं, शुद्ध आत्मा, शुद्ध लोग जिनके दिमाग में कोई पॉलिटिक्स नहीं है, ऐसी फिल्म अच्छी बनती है, प्रोड्यूसर भी अच्छे होते हैं। तो मेरी पूरी शुभकामनाएं और अली खान साहब हमारे साथ हैं, इससे बड़ी क्या बात है, तो उन्होंने भी बहुत कुछ बोल दिया। तो मेरा यही कहना है कि इस तरह से फिल्में बनती रहें और हिट होती रहें और हम लोग काम करते रहें। ऑल द बेस्ट, नमस्कार। ये जो कैरेक्टर है वेरी मैच्योर कह सकते हो, वेरी मैनिपुलेटिव कह सकते हो, इज लाइक अ कॉन मैन, लोगों को यूज़ करना जानता है, यूज़ करता है और उससे फ़ायदा निकालते रहता है। बट फिल्म की स्टोरीज जैसे आगे बढ़ती रहती है, मुझे लगता है कि मैं किसी को यूज़ कर रहा हूँ, पर आगे जाके चलने प्लान पता चलता है कि मैं किसी के द्वारा यूज़ हो रहा हूँ। सो यही सस्पेंस थ्रिलर है, पूरी मर्डर मिस्ट्री है, जैसे कि राहुल जी ने बताया कि खून होता है, आपने बोला सस्पेंस को दे, वो सस्पेंस नहीं है, वो तो खाली पॉइंट है, सही बात की उन्होंने कि वहाँ से मर्डर मिस्ट्री खुलती है, क्यों, कब, कैसे, किस वजह से, ये फिल्म की मेन हाईलाइट है। फिल्म के गाने बहुत अच्छे हैं, हमने बहुत मेहनत की, सभी ने मेहनत की, दुआ कर, मतलब उम्मीद करूँगा कि आप सभी हमारी फिल्म देखने आए थिएटर में और दर्शकों का प्यार हमें मिले। बस जी सर, आप कहेंगे सर? सबसे पहले तो मैं राहुल जी को और उनकी पूरी टीम को, हमारे मेहुल भाई को, सभी को मुबारकबाद देता हूँ, उनकी फिल्म बन के रेडी है और उम्मीद ये है कि आप सबको बहुत पसंद आएगी। और चूँकि बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छी फिल्म बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं आप सबके लिए, सो हम तो शुभकामनाएँ देने के लिए आए हैं। और बाकी जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट की बात है वो अभी राहुल जी अनाउंस करते हैं, है ना। बट मेहुल भाई के बारे में मैं कहूँगा कि इनको मैं बहुत पहले से जानता हूँ और बहुत ही अच्छा काम करते हैं, जैसा आप सब जानते हैं, और राहुल जी और सभी को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। थैंक यू सर। इस मूवी में मैं एक साउथ इंडियन गर्ल का कैरेक्टर कर रही हूँ और मूवी बहुत ही अच्छी है, आप सब जाएंगे थिएटर में देखने, हमारी ऑडियंस जाएगी, तो जितना मज़ा हमें आया काम करने में उससे कई ज़्यादा मज़ा ऑडियंस को आएगा देखने में। इसमें सस्पेंस है, मर्डर है और कॉमेडी है, सारी चीज़ें हैं इसमें। अच्छा साहिद जी इसमें एक्टिंग कर रहे थे, क्या कहेंगे उसके बारे में, कैसा लगा तजुर्बा? मैं बोलना चाहूँगी कि मुझे मेरी टीम के साथ काम करने में बहुत अच्छा लगा, चाहे वो एक्टर हो चाहे टेक्नीशियन टीम हो, हर कोई बहुत ही अच्छा था। मैं चाहूँगी कि राहुल जी की नेक्स्ट मूवी में भी मैं दोबारा काम करूँ
क्योंकि मुझे इनके साथ काम करने में वाकई में बहुत अच्छा लगा। अच्छा, अभी राहुल जी करते मुहूर्त देखने के बाद कुछ स्वागत की बात करते, क्या है मुहूर्त? क्या बोले सर? मुहूर्त देखने के बाद स्वागत कर रहे थे, बात की? नहीं नहीं, वो ऐसे कैसे बता दूंगा मैं, अभी तो कम से कम पोस्टर लॉन्च हम दो, इसके बाद तो और भी आप लोगों से बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी गुफ्तगू है। मेरे जो लोग जो मुझे देखेंगे यूट्यूब पे देखेंगे या जो भी लोग मुझे आज देख रहे हैं उनको मेरा कॉन्फिडेंस लेवल मालूम पड़ना चाहिए ना। और यार एक बात बताऊँ आप लोगों को, देखो हर एक्टर के साथ काम करने में मज़ा आता है जो दिल से काम करता है, दिल से जो काम करता है। जैसे हमारे जितने भी टेक्नीशियन से बहुत बहुत अच्छे से काम किया, चाहे मेरी हीरोइन हो, चाहे मेरे हीरो हो, चाहे मेरे जो भी कॉमेडियन एक्टर से राजकुमार कनौजिया साहब और जावेद हैदर जी और हमारे सब लोगों ने अच्छा काम किया। यहाँ तक कि हमारा म्यूज़िक बहुत अच्छा बना और कई लोगों ने हमारे गाने की बहुत तारीफ की है। लेकिन अब बाहर जब लॉन्च होगा तो आप लोग जब डिसाइड कीजिएगा भाई हमें दोबारा फिल्म बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। बनाना चाहिए, बनाना चाहिए सर। अभी सर आपका कितने गाने हैं फिल्म में, कितने गाने हैं? पाँच गाने हैं सर। चार गाने? अच्छा काट दिया, एक कैंसिल कर दिया। चार गाने हैं सर और हर वैरायटी में है गाना। और आप एक सीड्यूसिंग सॉन्ग जो है देखेंगे कि पहली बार विदाउट बल्गारिटी टाइप का कंपोजिशन है, बहुत अच्छा है वो। और एक आरबी गाना भी है फिदा, वो मोहब्बत वाला, वो बहुत अच्छा है, हबीबी वाला। फिर और दो सॉन्ग है, शाहिद मालिया जी और खुशबू जैन ये गाए हैं, एक तरन्नुम और शाहिद मालिया भी गाए हैं। और बाकी इनका मैंने एक गाना फिल्माया हुआ देखा, मेरे को बहुत अच्छा लगा और आजकल की जेनरेशन को पसंद आएगा। आइटम सॉन्ग वगैरह नहीं है? आइटम वो एक है ना, हाँ एक एक आइटम सॉन्ग है और एक्चुअली पवन मिश्रा ने लिखे हो, बाकी तो मुमताज निखत जी ने लिखे थे। तो एक आइटम सॉन्ग भी है, बहुत अच्छा है। बल्गर नहीं मतलब? नहीं नहीं बल्गर नहीं है, बहुत अच्छा है, उसको नीट क्लीन फिल्म आई। थैंक यू सर। मैं इसमें लीड कर रही हूँ, एक साउथ इंडियन लड़की का कैरेक्टर है जिसका नाम राज लक्ष्मी है और पूरा सस्पेंस और थ्रिलर कॉमेडी मूवी है। स्वागरात जिसके लिए सब सोचते हैं कि बहुत ही वो मतलब वो रात जो होता है बहुत अच्छा रात होता है, पर इस मूवी में उस रात में कुछ मर्डर मिस्ट्री दिखाया गया है जिससे पब्लिक चौंक गई कि भाई ऐसा भी कुछ है। तो ये मुझे इस मूवी में काम करने में बहुत खुशी महसूस हुई और बहुत मज़ा आया, और यही ऑडियंस को देखने में बहुत मज़ा आएगा क्योंकि वन बाय वन एक सस्पेंस ही है कि ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है, किस लिए हो रही है। तो जहाँ तक मैं बोल रही हूँ कि पिक्चर स्टार्टिंग से एंडिंग तक कोई भी ऑडियंस सीट छोड़कर नहीं उठेगी। स्वागत मनाएं ऋतु जी, जब कहानी आपके पास आई वो तो आप मूवी देखेंगे तब पता चलेगा। ऋतु जी आप कहानी जब आपके पास आई तो पहला रिएक्शन क्या था आपका और आपने कैसे इस चीज को? हाँ मुझे राजन जी मेरे पास आए थे और राहुल सर आए थे, उन्होंने मुझे स्टोरी सुनाए, तो मैंने स्टोरी सुनी तो मुझे बहुत अच्छा लगा स्टोरी। तो मैंने उसी वक्त कहा कि हाँ मैं रेडियो काम करने के लिए, पर मेरी साउथ में कुछ शूटिंग चल रही थी तो मैं नेक्स्ट डे निकल गई। तो कुछ दिनों के बाद राहुल जी वहाँ पर आए मेरे सेट पर और वहाँ पर ही उन्होंने मुझे फर्स्ट उन्होंने मुझे साइन किया वहाँ पर इस मूवी में। आप ही फिल्म में विलन भी हो गया? अगर मैं ही सब कुछ बता दूंगी तो आप थिएटर में जाके क्या करेंगे? मेहुल भाई आप क्या कुछ कहना चाहोगे शुभरात्रि फिल्म को लेके, अपने किरदार को लेके कितने एक्साइटेड हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे? शुभरात्रि फिल्म मुझे राहुल सर ने काफ़ी समय एक साल पहले बोला था हम साथ में काम करेंगे। पहले एक और मूवी का प्लान था जो तो एक्शन वाली होने वाली थी, पर वो थोड़ा डिले करके ये स्टोरी उन्होंने पहले सिलेक्ट की, बिकॉज ये स्टोरी सच्ची में वाकई में आप फिल्म देखोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि एक स्टार्ट से एंड तक फिल्म ग्राफ लेके जा रही है। कभी भी कोई ऑडियंस ऐसे नहीं कि बोर हो गया चलो भाई निकल जाती है यार मज़ा नहीं आ रहा है। गाने कहो, कॉमेडी कहो, ग्लैमर कहो, सब फिल्म के अंदर हमने डाला है जिससे लोगों को लगता है कि शुभरात्रि मतलब सुहागरात मतलब शायद हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा मतलब ओपन सीन या वो सब रखा हुआ, ऐसा इस फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है। फैमिली पारिवारिक फिल्म है, सस्पेंस थ्रिलर है और कॉमेडी पंचेस इसमें इसमें सस्पेंस चल रहा है, थ्रिलर चल रहा है, मतलब क्या अब क्या होगा उसमें अचानक एक कॉमेडी सीन आ जाता है।
और वहाँ से वापस एक ग्राफ अलग सस्पेंस की तरफ जा रहा है, पॉइंट आउट किसी और पे जा रहा है। सो कहीं ना कहीं मतलब ऑडियंस को ये लगेगा कि भाई मेन क्रिमिनल कौन है और वो क्यों कर रहा है। सो दिस इज द मेन लाइक मोटो ऑफ आवर फिल्म। सो फिल्म के टाइटल जो शुभरात्रि, इस तरह की फिल्म की शुरुआत ही शुभरात्रि से होती है, सुहागरात्रि दिन से, और सुहागरात्रि गाने के बाद ही सीधा मर्डर मिस्ट्री स्टार्ट होती है और फ्लैशबैक में स्टोरी जाके पता चलता है कि भाई क्या है फिल्म। तो कैसी केमिस्ट्री रही मेहुल भाई आपकी और इनकी? कहना तो रितु जी के साथ मैंने पहली बार काम कर रहा हूँ, बट शी इज अ वेरी कोऑपरेटिव एक्ट्रेस और काफ़ी अच्छे से हमारी ट्यूनिंग रही। हम लिप सिंक डिस्कस करते थे साथ में, जहाँ पे कहीं किसी को एक दूसरे को इम्प्रोवाइज करना हो या एक क्लू करना है हम वो हिसाब से कर पाते थे। और वन शेड्यूल मैंने फिल्म कंप्लीट किए, बहुत अच्छा लगा। शाहिद भाई भी अभी आने वाले, भाई 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 आ गए लोग, शाहिद भाई का नाम है, शाहिद भाई आ गए। चेयर रखो, चेयर रखो। पटक शाहिद मल्ला जी को आप जानते ही हैं कि वो अच्छे नॉन सिंगर है, काफ़ी बड़े सिंगर है और हमारी फिल्म में एक अच्छा साथ में लीड कैरेक्टर निभा रहे हैं। जिन्होंने हमारी फिल्म में, साईद जी ने हमारी फिल्म में दो गाने भी गाए हैं। साईद जी ने हमारी फिल्म में दो गाने भी गाए हैं जो शिवरात्रि के ऊपर है। राहुल जी, राहुल जी क्या आप क्या कहना चाहेंगे? साहिद भाई से एक बार गले मिल लूं, ये खत्म करके। अच्छा भाई, मैं सोच रहा हूँ साहिद भाई की शादी करा हाँ हाँ दीजिए, बताइए सर। चलिए शुरू करें, क्या कुछ कहना चाहेंगे शुभरात्रि इस भी रूप को देखने के लिए लोग एक्साइटेड हो गए, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा राहुल प्रजापति, जिन्होंने मुझे पता नहीं कहाँ एक्टिंग करते हुए देखा और इन्होंने बोला कि शायद करना है और हमारे विधारम हैं और मेहुल जी बहुत मजे हुए कलाकार हैं और मैं तो बस ये कहूंगा कि मैं इनसे सबसे सीख रहा हूं और कैमरा इन्होंने फेस करवाया है तो मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की है। और हालांकि कहानी एक सस्पेंस थ्रिलर है तो मैं चाहता हूँ कि अपना किरदार ना बताते हुए मैं फिल्म की तारीफ करता हूँ कि फिल्म बहुत अच्छी बनी है और ठीक ठाक काम किया मैंने। मैंने बहुत अच्छा काम किया, पहली बार ऐसे सिंगर एक्टर के हिसाब से आया है तो अनएक्सपेक्टेड था कि कर लेंगे, लेकिन कैमरा कॉन्शियस है नहीं विकास और ये इज वेरी फन लविंग गाय, बहुत मस्ती करते सेट पे, मतलब सीन चल रहा है एकदम इंटेंस सीन और अचानक गाना चालू करते तो मस्ती करना चालू कर देते, फिर फ्लो में लाने के लिए वापस अंदर लाने के लिए कैरेक्टर में लाने के लिए राहुल जी को मेहनत करनी पड़ती थी। शायद आ जाओ थोड़ा कम वापस सीन कर। एक्चुअली क्या है, इस फिल्म के शूटिंग के दौरान हम सभी एक्टर लोगों ने बहुत मज़ा किया और मैं थोड़ा सा मैं मेरे करेक्टर के बारे में बताऊंगा कि मैंने भी इसमें एक चोर का करेक्टर प्ले किया है जो मेहुल भाई का दोस्त रहता हूँ। ये साहिद भाई फाइट के सीन में ये मुझे बहुत मारते थे, रियल में मारते थे और फिर बहुत मजा आया काम करके हम सबके साथ में, बहुत बढ़िया। तो लगते नहीं हो चोर? क्या बोले सर? रियल मतलब? सर रियल में आदमी एक्चुअली क्या जो चॉकलेटी भाई होते हैं ना वो वाकई में बहुत चोर होते हैं। मैं चॉकलेट तो हूँ नहीं, खाली चेहरा मेरा गोरा, बाकी सब मेरा काला है। मुझे लगता है फिल्म में मोमेंट ही आपके ही चलेगी। नहीं, आप डिसाइड करोगे आप लोग। राहुल जी, हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि शुभरात्रि जैसे है अभी नवरात्रि एक आई फिल्म जी, उसको उसी पर आधारित तो नहीं है ये फिल्म? नहीं नहीं, एक्चुअली क्या है, फिल्म जो है ये फिल्म का टाइटल जो शुभरात्रि रखा है एक्चुअली अकॉर्डिंग टू स्टोरी, एक्चुअली शुभ रात्रि जो है ना एक नाइट के ऊपर ही पूरी फिल्म निर्भर है और हर सीन जो है ना वो सुहाग रात के सीन से मतलब अटैचमेंट होता है, क्योंकि नहीं मैं बता रहा हूँ मैं, क्योंकि रिवील होता है इंटरवल के बाद। हाँ, तो शाहिद भाई आपका भी किरदार ऐसे रात में ही होता है क्या, दिन में भी? मोस्टली रात में ही था और बहुत सारी लाइटिंग यूज करनी पड़ी लोगों को, मैं रात में थोड़ा कम दिखता हूँ तो आई मीन शुभरात्रि का जो टाइटल है वो काफ़ी हद तक फिल्म की शूटिंग के टाइम पे भी वैसा ख्याल रखा गया, रात को शूट, अर्ली मॉर्निंग शूट और मुझे तो बहुत मज़ा आया। बाकी गाना किस टाइप का है? एक गाना है जो पब टाइप क्लब टाइप का, मैं चाहता हूँ वो फिल्म आएगी तो आप सुने, गाना भी सस्पेंस में है। अगर आप शाहिद भाई क्या किशोर कुमार को फॉलो करें या हिमेश रेशमिया को, सिंगर से एक्टर बने तो?
मैं अपने पापा को फॉलो करता हूँ, बहुत अच्छा गाते हैं वो। एज एक्टर सिंगर के बाद आप एक्टर बने हो? एक्टर वैसे दो ही मशहूर हुए हैं जो ज़्यादा तक चले हैं। एक्टिंग में मैं आपको बता दूं कि एक्टिंग में मैं उठ सकता हूँ क्या यहाँ से? नहीं नहीं सर, एक मिनट। अच्छा राहुल भाई, आखिरी सवाल चलते चलते हम ये जानना आपसे चाहेंगे कि ये चार पोस्टर में चार लोग दिख रहे हैं, दो लोगों के हाथ में गन है और दो लोगों के हाथ में चाकू जी, क्या है उसके पीछे राज? सर वो मैं राज नहीं बता सकता सर। अरे राइटर साहब को बुलाओ यार। सर, 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 सर,